क्या आपके पेरेंट्स ने भी आपको ताने मारे हैं जब उन्होंने न्यूज के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर न्यूज पढ़ी कि आईआईटी में एक बच्चे का 4 करोड़ का पैकेज लगाया? तो यार आईआईटी कानपुर हो गए, आईआईटी दिल्ली हो गए, आईआईटी बॉम्बे हो गई, यहां से कुछ बच्चों को 4-4 करोड़ का पैकेज लगा है जिस कंपनी ने इसको ऑफर किया है, उसका नाम है जेन स्टेट। आज की वीडियो में हम इसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या ये 4 करोड़ का जो पैकेज है ये इतनी हाइप डिजर्व करता है या नहीं करता है, जो हमारे मीडिया ने जो इसका बबल बनाया है क्या वो सच में सही है, या फिर जो कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर ने इस 4 करोड़ के पैकेज को 40 लाख के बराबर कंपेयर किया है, क्या उसमें रियलिटी है? तो दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, इसमें से सच कौन सा होगा आज हम जानेंगे। लेकिन मैं हर बार की तरह आपको बोलूंगा जो रियलिटी होती है वो बीच में होती है। आज हम थोड़ा माइंड खोल के, ठीक है, जेलिसी वगैरह दूसरे फैक्टर को हटा के थोड़ा अपने माइंड से इसको सोचेंगे कि रियल में इस पैकेज की वैल्यू कितनी है। तो यार जो जनरली होता है, जो इस टाइप के पैकेजेस होते हैं, ये कंपनियां इंडिया में भी 1 करोड़ से ऊपर के पैकेजेस ऑफर करती है, तो ये जनरली जो होती हैं ये एचएफटी फर्म होती हैं, जिनको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कंपनी इतना प्रॉफिट बना कैसे लेती है, कैसे ये इतने ज्यादा पैकेजेस एक बच्चे को दे देती है। तो मतलब अगर वो इतना ऑफर किसी को कर रही है तो यार काम भी तो उतना ही कराएंगी ना। तो यार वो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या काम भी बहुत ज्यादा होता है इन कंपनियों में या नहीं होता है। तो यार देखते हैं। तो यार ये रहा अपना मैप, तो ये इंडिया का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। तो जो जनरली ये टाइप के पैकेजेस होंगे ये फॉरेन में ज्यादा ऑफर किए जाते हैं, तो ये फॉरेन पैकेज ही है। उसके साथ ही जिस कंपनी ने इसको दिया है उसका नाम है जेन स्ट्रीट, ये एचएफटी फर्म है। और इंडिया में जो कंपनी करती है ऐसे पैकेजेस ऑफर 1 करोड़ प्लस, आपने देखा होगा कि 25-30 बच्चे से आईआईटी से 1 करोड़ के पैकेजेस मिले हैं, वो भी डोमेस्टिक, वो सब एक एचएफटी फर्म ही होती है। तो यार इस वीडियो का मकसद ये है कि जो एक कॉमन इंसान है वो भी समझ पाए इन पैकेजेस के रियलिटी। तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनको नहीं बनाऊंगा कि हर चीज को जोड़ता रहूंगा, हर कंपोनेंट को जोड़ता रहूंगा, मोटा मोटा मैं सारा हिसाब आपको बताऊंगा कितना वो बचा सकते हैं, कितना उनको टैक्स लगेगा, कितनी की सेविंग होंगी, ओके क्या इसके बेनिफिट्स है, एक्चुअली पैसा कैसे कमाती है कंपनियां, चलो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो यार जो ये कंपनियां होती हैं, इसका नाम है जेन स्ट्रीट जिसने ये पैकेज ऑफर कराया, ओके। तो यार जब भी कोई कंपनी कोई पैकेज ऑफर करती है तो उसको हम बोलते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक कंपनी कितना खर्चा कर रही है आपके ऊपर एक साल में। तो यार कुछ कंपनियां थोड़ा स्मार्ट भी खेलती हैं, वो क्या करते हैं चारों साल का पैकेज सीटीसी के अंदर जोड़ देती है, वो दिखा देती है कि जेन स्ट्रीट के साथ यही सीन है कि उन्होंने 4 साल का पैकेज जोड़ के दिखा दिया। देखो यार कुछ कंपनी थोड़ा स्मार्ट प्ले करती है, स्मार्ट भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा अजीब सा प्ले करती है, वो क्या करते हैं आपके बेस पे स्टॉक सब जोड़ देते हैं 4 साल के अंदर। लेकिन जो जनरली ट्रेंड होता है उसमें आपके बेस पे प्लस 4 साल के स्टॉक्स ऐड होते हैं सिटीज में, जनरली ये ट्रेंड मैंने मार्केट पे देखा। तो देखते हैं यार जेन स्ट्रीट का क्या है, कॉस्ट टू कंपनी की कंपनी आपके ऊपर कितना खर्चा कर रही है, कितना अगर आपको कुछ भी एक भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब इसके अंदर एडेड रहते हैं। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, ये 4 करोड़ का पैकेज है, सबसे पहले आता है अपना बेस पे, बेस पे मतलब इस सैलरी आपको सबसे पहले आता था बेस पे, ये आपको हर मंथ मिलेगी सैलरी, ओके। तो जो इनका है वो है अपना 1.6 करोड़ के अराउंड, अगर इसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी, मतलब 1.6 करोड़ तो आपको मिलने ही मिलने हर साल, ओके। उसके साथ साइन ऑन बोनस होता है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो उस टाइम पे वो आपको एक साइन ऑन बोनस देती है, तो ये है आपका 40 लाख अराउंड, 40 लाख आपको एक ही बार मिलेंगे। तो यार साइन ऑन बोनस में भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है हर कंपनी के हिसाब से, वो रहता है कि अगर आप 1-2 साल से पहले छोड़ के गए तो आपको साइन इन बोनस वापस करना पड़ेगा, तो ये कंपनी की ट्रिक होती है आपको रुकने की। उसके साथ ही आपको जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे उस कंपनी में तो आपको कितना बोनस मिलेगा, टारगेट कैश बोनस, ओके। अगर आप उस कंपनी में 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो यार वो इसमें $250,000 के अलाउंड है, तो मतलब वो लगभग बैठता अपना 2 करोड़ के अलाउंड। तो देखो ये तीनों ही पार्ट है जो इसमें है, जो ये वाला पैकेज है। तो यार मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस पैकेज को कंपेयर करूं जो एक इंडियन सैलरी होती है जो ये एचएफटी फर्म देती है, जो अराउंड 1.2 करोड़ होती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जो एचएफटी फर्म है जो इंडिया वाली है वो बेसिकली आपको सीटीसी अराउंड 1.2 करोड़ देती है, जो पिछले साल मिला था बच्चे को, उसमें जो आपका बेस पे है जो मैंने अभी आपको बताया वो अराउंड 50 लाख होगा। उसके साथ ही जो आपका साइन अप बोनस होता है इसमें वो अराउंड होगा 10 लाख, और उसके साथ ही जो आपको मिलता है कि टारगेट कैश बोनस। देखो यार इसमें ना कंपनी
टारगेट भी ऐसे देती है, कुछ कुछ कंपनी ये करती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस में आपको बोनस मिलता है। तो इनका जो है बोनस का सिस्टम वो 50 लाख से, सॉरी वो आपका है 25 लाख से 54 लाख के बीच। तो जैसा कि परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके, और लास्ट में आपका जो मिसलेनियस होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा मिलता है आपको, वो मिलता है आपको 6 लाख के राउंड। तो इस तरीके से ये 1.2 करोड़ बन जाता है। तो अभी के लिए मैं एजेंशन रख रहा हूं कि उस बच्चे को भी 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इसको भी 1.2 करोड़ मिल रहे हैं, इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कराया अपनी कंपनी में। तो हम देखते हैं कि एक साल कंप्लीट होने के बाद ये बच्चे कितना कमा पाते हैं, कितना बचा पाते हैं। अब देखो यार, सबसे बड़ा बेनिफिट इस कंपनी में ये है, जो आपने जेनेस्ट्री वाला देखा होगा, ये कंपनी यूएस बेस्ड नहीं है। यूएस बेस्ड मतलब जो उनकी जॉब लोकेशन यूएस में नहीं है, वो है हांगकांग में। तो हांगकांग वर्सेस इंडिया को हम कंपेयर करेंगे इसमें, क्योंकि उनकी जो जॉब लोकेशन है वही है। ओके, इसमें इसको 4 करोड़ मिल रहे हैं एक साल में, हमने देख लिया है, इसको 1.2 करोड़ मिल रहे हैं। अब देखो यार, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड के बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो हांगकांग में रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्यों रहते भैया हांगकांग में? कुछ तो रीजन होगा। रीजन ये है, वहां टैक्स बहुत ही कम पड़ता है लोगों को, पर टैक्सेस से बचने के लिए सबसे बेस्ट जगह हांगकांग है दुनिया में। तो काफी अमीर अमीर लोग आपको यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ जो 4 करोड़ की सैलरी है उनकी, इसमें अराउंड 17% भी आपको टैक्स बढ़ने वाला है। तो 17% टैक्स पड़ेगा इस पे, जो भी सैलरी है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, मेरा अराउंड आपको 68 लाख रुपीज टैक्स में बनना पड़ेगा। ओके, तो अब कितने बचे आपके पास? 3.32 करोड़। इतना आपके पास बचेगा आफ्टर टैक्स। इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में कितना टैक्स पड़ता है? तो यार, इंडिया में सैलरी के हिसाब से टैक्स पड़ता है। एक तो आपको पड़ेगा इनकम टैक्स पड़ेगा इसमें, ठीक है, उसके साथ ही आपको सरचार्ज पड़ेगा इसी सैलरी पे, और इसके साथ ही आपको सेस भी देना पड़ेगा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स पे जोड़ेंगे, जो मैंने ये इसकी डिटेलिंग निकाली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकाली है। तो अराउंड इसमें आपको 40 लाख का टैक्स पड़ने वाला है टोटल इस वाली सैलरी पे, इन सबको मिला के। अब देखो यार, आपको होगी टैक्स सेविंग के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आप कोई घर ले लो, EMI पे लोन ले लो, या आप एफडी बना रहे हो, या फिर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसमें छूट मिल जाती है इसमें। लेकिन अभी मैं उन चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी टैक्स से बचने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ ले रहा हूँ कि जो जनरल केसेस होते हैं, अगर इसको 40 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं तो इसके हाथ में बच रहा है कितना? 80 लाख इंडिया में। अब ये तो हो गया इनका। अब हम देखते हैं इसके पास 3.32 करोड़ बचे थे, इसके पास बचे हैं अपने 80 लाख। अब देखो यार, इनकी लाइफस्टाइल भी ऐसी होगी। अब जो मेन खर्चा होगा जहां भी आप रह रहे हैं, वो कहां होने वाला आपका, जो भी मेन आपका खर्चा होगा, आपको तो कहां होगा? या तो आपको रेंट मेजर कंपोनेंट, ठीक है, और कहां करते हैं हम खर्चा? खाना पीना। देखो, खाना तो हमारी बेसिक नीड है, तो हम खाना भी जम के खाते हैं, ठीक है, फूड। और क्या करते हैं हम अभी जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं? पार्टी करते हैं जम के, ठीक है। और लास्ट में मिसलेनियस खर्चे होते हैं कुछ, जैसे आपने कुछ ले लिया, किताबें ले ली, या फिर आपने पैंट शर्ट जींस ये चीजें ले ली, वैसी इंडिया में भी सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी। यार, जो मैंने रिसर्च करी, अगर आपको हांगकांग में अच्छा खासा घर चाहिए, ठीक है, तो आपको $3,000 में इजीली मिल जाएगा, $3,000 में, ठीक है, $3,000 में। ओके, $3,000 अपना कितना पड़ेगा अप्रोक्स? मतलब 2.4 लाख भाई, 2.4 लाख। अभी $1.80 के बराबर ले रहा हूं, 2.4 लाख फूड में आपका कितना खर्चा आने वाला है? कि देखे यार, अगर उनकी लाइफ स्टाइल वो थोड़ा महंगा जियेंगे, ठीक है, तो ये $1.5K के अराउंड ये बैठेगा अपना 1.2 लाख। ओके, अपना जो पार्टी वाला जो सिस्टम रहेगा इनका, कितना पार्टी करेगा? $1,000 का इसने पार्टी कर ली, तो 1,000 में उसको भी ऐड कर लेता हूं, तो उससे कितना बैठेगा? 80K की पार्टी हो गई।
और जो मिसलेनियस खर्चे होंगे 500 डॉलर के अराउंड हो जाएंगे, उसके जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो मैं 500 डॉलर में इंक्लूड कर दिए, तो ये 40,000 उसके उसमें खर्च हो गए। तो ये कितना बैठा अपना 4.8 लाख रुपए उसके खर्च हो रहे हैं एक मंथ में, अराउंड हम 5 लाख रुपए लगा लेते हैं इसे, थोड़ा मोटा ले लेते हैं साहब, ठीक है। और साल का कितना बैठेगा, 7 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो एक साल में, और इसमें उसकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ऊपर लेवल की होगी, जब इतना कमा रहा है तो खर्चा भी उसी लेवल का वो करेगा। तो यार हमने देख लिया 3.32 करोड़ की सैलरी है, 60 लाख उससे अगर मैं हटा दूं तो कितना बैठेगा ये 2.72 करोड़, ठीक है, सही बैठा नहीं, हाँ। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की, जब वो बच्चा इंडिया में रहेगा तो उसको अपनी लाइफ स्टाइल उस लेवल की चाहिए, आपको जो रेंट वगैरह होता है हैदराबाद, जो आपका रेंट वगैरह होता है हैदराबाद में बैंगलोर में वो अराउंड 25-30 हज़ार में होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये बच्चे होंगे शायद अच्छी लाइफ स्टाइल और मतलब हैवी लाइफ स्टाइल में जियेंगे, तो मैं इसको 50,000 मान लेता हूँ कि 50,000 रुपये वो अपने रेंट वगैरह या फिर जो भी उसका बिजली खर्चा आता है इसमें चला जाता है। जो उसका फूड का खर्चा होगा मैं अराउंड 25K लगाऊंगा, जिसमें मेड उड सब इंक्लूड होगी खाना पीना, ओके। जो उसका पार्टी का खर्चा जो उसका होगा वो मैं मान लेता हूं 10,000, जो इसका पार्टी का खर्चा होगा वो मैं मान लेता हूं 15,000, ओके, और 10,000 इसका मिसलिनियस ले लेता हूं, तो मैं मान रहा हूं कि 1 लाख रुपए ये महीने के उड़ा देगा, ठीक है, 1 लाख, तो एक साल में कितना उड़ाएगा 12 लाख रुपए इसने उड़ा दिया, उड़ा के दिया अपने पूरे खर्च करें, ठीक है। तो अगर इससे मैं 12 लाख माइनस करूं तो ये कितना बैठेगा अपना 68 लाख रुपीज, जी हाँ, 68 लाख रुपए ये बच्चा बचा रहा है एक साल में, 2.72 करोड़ रुपीज ये बचा रहा है 68 लाख रुपीज टोटल। तो आप देख सकते हैं यार सैलरी में कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के, अगर वही बच्चा अगर फॉरेन में हांगकांग में, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यही है कि हांगकांग में काम कर रहा है, अगर इसी की जगह अगर वो यूएस वगैरह या फिर यूरोप वगैरह में होता तो ये सारे टैक्सेस 40% तक जा सकते थे, तो उसका मेजर पोर्शन सैलरी में ही चला जाता, लेकिन ये पैकेज हांगकांग बेस्ड है। तो यार मैं भी बोलूंगा जो ये पैकेज है बिल्कुल हाई डिजर्व करता है, 2.72 करोड़ एज अ फ्रेशर बहुत बड़ी अमाउंट होती है सच में, बहुत बड़ी अमाउंट, तो जो भी लोग उसको 40 लाख से कंपेयर कर रहे थे वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। आप देखो ना यार एज अ फ्रेशर 2.72 करोड़, मतलब एक कॉमन मैन होता जो हमारे जैसे उनको तो बिल्कुल पूरी उम्र लग जाएगी इतना कमाने में, ओके। तो देखते हैं आगे, अब बात आती है कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं, ओके। तो यार इसका नाम है HFT, थोड़ा राइटिंग मेरी खराब है उसको थोड़ा मैनेज कर दिए लोग, ओके, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो कंपनियां होती हैं वो कैसे कैसे पैसा कमाती हैं, उन्होंने कुछ एल्गोरिथम लिखे रहते हैं और वो एल्गोरिथम ही हमारे स्टॉक बाय और सेल कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा है, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपको कुछ ट्रेड करना है, आपको कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा, मान लो आप स्टॉक से कर रहे हो, जीरोधा से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा? एक इंसान को ऑन एवरेज 25-30 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि उसमें हमें पहले देखना है, खरीदना है, ओके, फिर अपने जो डिटेल्स है वो भरनी है, फिर वहां से कंफर्मेशन आएगा, ब्रोकर चार्ज करेगा, तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ये माइक्रोसेकंड में काम करती है, माइक्रोसेकंड में मतलब इतनी जल्दी ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर देगी माइक्रोसेकंड में, सोचो कितना फास्ट होगा। इनको कोई ब्रोकरेज चार्ज वगैरह ये सारी चीजें नहीं देनी होती है, ये इनका मतलब आपस में रहता है, जो भी स्टॉक मार्केट रहते हैं उनके साथ पैटर्न या फिर जो भी रहता है इनका सेटिंग वगैरह उनके साथ रहती है, तो उसकी वजह से इनको ज्यादा चीजें या फिर जिस मेथड के थ्रू हम बाय करते हैं वो नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट बाय या सेल करते हैं। तो यार ये ना एक माइक्रोसेकंड के अंदर ही मिलियंस ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, माइक्रोसेकंड कह रहा हूं मैं, मिली सेकंड में नहीं कह रहा हूं, माइक्रोसेकंड 10^-6 सेकंड, ठीक है, इतना फास्ट ये होते हैं। अब आप बोलोगे भैया पैसे कैसे कमा रहे? अब देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में होगे तो आपने देखा होगा NSE BSE का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मान लो सेम कंपनी है, मान लो टाटा की कोई कंपनी है, ठीक है, और वहां मान लो कि NSE में उसका रेट चल रहा है 100 रुपीज, NSE में उसका रेट चल रहा है 100 रुपीज और BSE में उसका चल रहा है 100.5 रुपीज। अब यह क्या करेगा कि यहां से स्टॉक खरीदेगा NSE से, अब BSE में जाके बेच देगा,
फेयर एनएससी में उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, ओके। अब बीएससी में उसका चल रहा है कितना, 100.5 रुपीज। अब ये करेगा जो एनएससी वाला स्टॉक है उसको खरीदेगा, अब बीएससी में जाके बेच देगा, और उसको कितने का फायदा होगा इस स्टॉक में, 50 पैसे का। लेकिन यहां पर ये मिलियन ऑफ स्टॉक खरीदेगा या फिर करोड़ों में स्टॉक खरीदेगा, ताकि फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा स्टॉक्स लें, प्रॉफिट भले ही जो मार्जिन हो कम है, लेकिन वो इतने ज्यादा स्टॉक खरीदेंगे। मान लो उसने 100 करोड़ स्टॉक खरीद लिए, अब 50 पैसे का फायदा हो रहा है मान लो, ओके, कितने का फायदा बना, सीधा 50 लाख रुपए सिर्फ एक उससे। और जो नेक्स्ट चीज होती है इनकी, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनियों का होता है, ये बहुत ही मतलब स्टॉक लेते हैं बेचते एकदम विद इन सेकंड, ये स्टॉक खरीद भी लेंगे और विद इन सेकंड उसी सेकंड के अंदर ये स्टॉक बेच भी देंगे, मतलब इसी सेकंड में इन्होंने खरीदा और उसी एकदम से जाके यहां बेच दिया। सो इतना फास्ट इनका एल्गोरिथम है, खरीद भी लिया बेच भी लिया, प्रॉफिट भी अपनी जेब में रखी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों से पैसे कमाते हैं, फ्यूचर से पैसे कमाते हैं, ऑप्शन से पैसे कमाते हैं। ये थोड़ी मार्केटिंग टर्म है, लेकिन अभी शायद मे बी मैं उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इनके ऊपर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप किसी सीए वगैरह किसी की भी वीडियो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं। और क्या करते हैं ये, करते हैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, ओके। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ये क्या होती है, मान लो इनके ना जो एल्गोरिथम होते हैं ये पूरे ऑल ओवर द इंटरनेट फैले रहते हैं, ओके, ये न्यूज कवर करते रहते हैं। अगर इन्हें पता चला किसी कंपनी में नेगेटिव न्यूज चल रही है, नेगेटिव न्यूज, तो मतलब उसका स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, यहां पर वो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके पैसे कमा देंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव न्यूज आई है, मान लो कि कुछ अच्छी न्यूज आई है कि आरबीआई से अप्रूवल मिल गया, प्रॉफिट आया कंपनी को, तो उन्हें पता चल जाएगा अच्छा तो इसी टाइप के कीवर्ड को ढूंढेगा और उन्हें पता चलेगा ये इसका स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने वाला है, तो यहां पे वो थोड़ा लॉन्ग भी खेल सकता है, ओके। तो यहां पे कैसे कीवर्ड सर्च करेगा, फ्रॉड हो रहा है किसी के साथ, ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को, उसे पता चल जाएगा यहां पे स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक न्यूज रिपोर्टर थी, उन्होंने एक अडानी ग्रुप के खिलाफ एक स्टेटमेंट निकाली थी, उससे उनका स्टॉक एकदम गिर गया था, तो वहां पे भी एचएफडी फर्म ने बहुत पैसा बनाया, ओके। तो यार जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है कि हम पैसा कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इस कंपनी में अंदर जाके काम कर सकते हैं, तो यार मैं यही बोलूंगा कि अभी आपको सीधे इन कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेनली ये कंपनी आईआईटी से ही हायर करती है, ऐसा फ्रेशर बहुत ही मुश्किल होता है इन कंपनी में घुसना। हाँ, अगर आप आईआईटी से, फिर जाके आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हम करते हैं वही करना है, लेकिन आपको सिस्टम की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको ऐसे एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए जो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट कर, आपको प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज करने आनी चाहिए, आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो ये सब इन चीजों में कवर होता है। तो यार जो बिगेस्ट एडवांटेज इनका है, इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर इन बच्चों को मिल रहा होता है, कि जब भी ये बाहर जाएंगे वहां इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, सैलरी बहुत बड़ा पर्क है कि इतनी सैलरी इंडिया में नहीं मिल रही है। हाँ, नेगेटिव भी में है काफी चीजें, जैसे मान लो आप अपनी फैमिली को डेफिनेटली मिस करने वाले हो बाहर जाके, ये तो कॉमन पॉइंट है ही है। उसके साथ ही आपको शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप हांगकांग वगैरह जाओगे तो वहाँ थोड़ा आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं। उसके साथ ही आपको जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी आएगी। नेटवर्क प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम, मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि आपने वहां रह के कुछ लोगों के साथ दोस्ती बनाई होगी, वो नेटवर्क बनाया हुआ है, लेकिन जब आप वहां से छोड़ के वापस नहीं आते हो तो शायद वो नेटवर्क उतने एलिजिबल नहीं होते हैं और ये भी उतने इफेक्टिव नहीं होते आपके लिए, क्योंकि आप बोलते ना यार मेरा नेटवर्क यहाँ मेरे एरिया में बहुत तगड़ा है, मैं इसी जगह जाता हूँ, क्योंकि आप वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को जानते हो। अब मान लो आप वहां से उठ के दूसरी जगह चल गए, वहां तो आपका नेटवर्क डाउन है, आप किसी को जानते नहीं हो, वहाँ भी कॉमन इंसान हो, तो सेम वहां भी होता है कि वहां वो अपना नेटवर्क बना चुके हैं, लेकिन जब वो दूसरी जगह स्विच करते हैं फिर से इंडिया में आ गए, अब उनको यहां से दोबारा से पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये पैकेज डेफिनेटली हाई डिजर्व करता है, ये बिल्कुल भी 40 लाख के बराबर नहीं है। 2.72 करोड़ जो हमने आज अपने एनालिसिस में देखा है कि इस पैकेज की वैल्यू है, जो इंडियन पैकेज है उसके अराउंड 68 लाख है। तो बताना यार ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप एचएफटी फर्म के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पक्का बताएं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।